तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशन का एक और एक क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक आज तक हमने जो भी इक्वेशंस देखे उसमें से ये डिराइव हुआ हुआ है। मतलब ये इट इज अ डिराइव इक्वेशन, पर हमने आज तक उसको पढ़ा नहीं था। तो देखिए वो इक्वेशन कौन सा है और इस क्वेश्चन में उस इक्वेशन का कैसा हम यूज कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर एस एन एथ जो है वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, इन द nth सेकेंड। यहां पर u का मीनिंग है इनिशियल वेलोसिटी, जो एज यूजुअल हमेशा रहता है अपना, और a एक्सिलरेशन, और जो n है यहां पर वो nth सेकेंड है। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम यहां पर इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये बॉडी जो है कवर्स 100 मीटर इन 6 सेकेंड एंड 130 मीटर इन द 8th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 18th सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारे पास ए अपना यहां पर जो भी होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ए हम जहां पर भी डालेंगे वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में है, इसलिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसने ये कहा है, अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि डायग्रामेटिकली हम कैसे समझ सकते हैं। अभी मैंने ये डायग्राम खुद बनाया है, इस क्वेश्चन में पहले से यहां पर नहीं था। तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको खुद डायग्राम वो बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। आप जब भी डायग्राम बनाएंगे आप अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा बेहतर है कि आप डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम बनाया हुआ है, ये कॉमन लाइन है जिससे वो नीचे गिर रहा है, वर्टिकल लाइन। और पहले 6 सेकंड में उसने 100 मीटर क्रॉस किया। अभी ये डायग्राम मैं एक ही लाइन में बना सकता था, एक ही वर्टिकल लाइन में, पर सही से समझ में आए इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप वो बनाया हुआ है। आप चाहे तो एक लाइन में बना सकते हैं, मतलब एक ही लाइन में, एक ही वर्टिकल लाइन में आप ये 6 सेकंड वाला, उसमें ही 8 सेकंड वाला और उसमें ही 18th सेकंड वाला बना सकते हैं, पर मैंने सिंपलिसिटी के लिए ऐसा कुछ बनाया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 6th सेकेंड को, ये जो सेकेंड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 8th सेकेंड को, और जो थर्ड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 18th को। तो उसने ये कहा गया है कि जो 6ठा सेकेंड होगा उसमें अपने बॉडी ने 100 मीटर ट्रेवल किया। तो इक्वेशन यूज करते हैं और बनाते हैं कुछ। तो यहां पर एस एनथ क्या होगा, एस एन एथ इज इक्वल टू 100 मीटर, और जो एन है यहां पर वो कौन सा होगा, 6th। तो इक्वेशन में डाल दीजिए, हमें यू और एक्सेलरेशन नहीं मालूम है तो वो बाद में देखेंगे उसका क्या हो सकता है। तो 100 डाल दिया, सिमिलरली आप 8th सेकेंड वाला भी लिख सकते हैं। तो 8th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है 130 मीटर, और यहां पर होगा 8 इज इक्वल टू n। इन दोनों इक्वेशन को आप जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तब आपको u की वैल्यू मिलेगी, टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स,
ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो कैलसी में और आपको यू की वैल्यू मिलेगी इतनी और ए की वैल्यू मिलेगी इतनी। तो आपको आगे कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 18th सेकेंड। अभी हमने ये दो इक्वेशन इसलिए बनाई क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम थी और एक्सेलरेशन कितना है वो नहीं मालूम था, और 18th सेकेंड में यूज करने के लिए, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, एस 18th फाइंड करने के लिए हमारे लिए तीन चीजें होने जरूरी है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एन। तो हमारे पास एन था पर एक्सेलरेशन नहीं था, यू नहीं था, तो हमने ये दो इक्वेशन का यूज करके, दो कंडीशन का यूज करके हमने यू और एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। तो ये दोनों पहले करना जरूरी है, यू और ए फाइंड आउट करना, ठीक है। तो एस 18 फाइंड आउट करते हैं पहले, तो एस 18 कितना होगा 17.5, ये आप डाल दीजिए इसमें इक्वेशन में और आपको फाइनल आंसर मिलेगा कुछ इस तरह से। तो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 280 मीटर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ध्यान था नहीं इसमें से, मतलब बहुत ही आसान था और आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो डरिए मत, अटेम्प्ट करिए, आपको सही से आ जाएगा। और ये आज तक का देखा गया था सबसे नया फॉर्मूला है, पर ये जो फॉर्मूला है वो पहले भी हमने यूज किया हुआ, मतलब जो पहले हमने यूज किए थे तीन बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन उसमें से ही ये डिराइव हुआ है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमोराइज कर लीजिए इसको और सही से बना दीजिए, और आपको इसका डेरिवेशन आपके बुक में भी मिल सकता है, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान था पर अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में बताइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।